आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि सत्ता में आने के 2-3 साल के भीतर ही पार्टी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हम गैरसैंण में स्थायी राजधानी के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं जुटाएंगे और सत्ता में आने के 2-3 साल के अंदर राजधानी वहां स्थानांतरित कर देंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और उसके लिए आगे भी जो जरूरी होगा वह किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, गैरसैंण के लिए जो भी जरूरी होगा हम करेंगे, गैरसैंण हम सब की भावनाओं का केंद्र बिंदु है, उसको लेकर उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। गैरसैंण को हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है तो उसे लेकर आगे भी कुछ करते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथक राज्य के लिए आंदोलन करने वालों के लिए भावनात्मक मुद्दा रहे चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। एक दूसरी पार्टी एक दूसरे के ऊपर तंज और बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और अलग अलग फैसले लेते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड के लिए जो भी फैसले लिए जाते हैं वो किस हद तक सही होते हैं और किस हद तक गलत होते हैं। अब ये तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रही एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।